remaining life processes. These are essential for our survival. Nutrition. Without nutrition, can we survive? No. अगर खाना ही नहीं मिला तो survive नहीं कर पाएंगे. Transportation. If there is some problem in our transport system, for example, if there is problem in our blood, WBCs कम हो गए, ज़्यादा हो गए, RBCs के नंबर में कुछ problem हुआ, will that person be okay? No. Means transport system is also an important life process. Yes. Then excretory system. So all these life processes are important. But the reproduction, it is a life process which is not so important for the individual. If any organism doesn't reproduce, that means that organism will die. ऐसे होगा क्या? नहीं होगा. Then what is the importance of reproduction? Reproduction is important for the continuation of the species. An animal species is considered endangered when a significant portion of its species have died. Reproduction, मैंने अभी आपको बताया कि जो life processes है, जैसे nutrition, respiration, transportation, excretion, इसके बिना कोई भी individual मर जाएगा. इसमें अगर किसी एक में भी गड़बड़ है, जैसे हमने kidney failure के बारे में study किया था, एक excretory system का problem है kidney failure, तो उसमें क्या होता है? Kidney काम करना stop कर देती है. Then can that person survive without medical treatment? No. But in case of reproduction, reproduction is a life process. अगर कोई reproduce नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मर जाएगा, hospitalized हो जाएगा. ऐसे नहीं होगा. But why this reproduction process is considered essential? Because reproduction is essential for continuation of species on the earth. लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे रहे, वो स्पेसिस कंटिन्यू करे अर्थ पे, इसलिए रिप्रोडक्शन इट इज अ इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस. व्हेन एनी स्पेसिस बिकम इंडेंजर्ड, इन लोअर क्लासेस यू हैव स्टडीड अबाउट द इंडेंजर्ड स्पेसिस, फॉर एग्जाम्पल टाइगर, राइनो, दीज आर कंसिडर्ड टू बी इंडेंजर्ड. इंडेंजर्ड मीन्स वॉट? वेरी फ्यू मेंबर्स ऑफ दिस स्पेसिस आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. सो ये इंडेंजर्ड क्यों हो जाते हैं बताओ? द नंबर ऑफ सर्वाइवल्स लेफ्ट इन द स्पेसिस इफ दीज आर वेरी लेस, फॉर एग्जाम्पल टाइगर्स, राइनो एटसेट्रा, यू नो दैट नाउ देर इज बैन ऑन हंटिंग ऑफ एनिमल्स. व्हाई? पहले तो शौक होता था ये लोगों का हंटिंग करना, लेकिन अभी अगर कोई ये शौक करेगा तो उसको क्या होगा? जेल जाना पड़ेगा. क्यों बैन है? व्हाई देयर इज बैन ऑन द हंटिंग ऑफ द एनिमल्स? बिकॉज वेरी फ्यू स्पेसीज ऑफ देम आर लेफ्ट ऑन द अर्थ, फॉर एग्जाम्पल टाइगर, राइनो एटसेट्रा. अगर आप लोग न्यूज देखते हो, न्यूज आया था ऑन 7 जनवरी 2020, नेशनल पार्क इन आसाम, मानस नेशनल पार्क, दैट नेशनल पार्क एज वेल एज द होल स्टेट, पूरे आसाम स्टेट ने सेलिब्रेट किया था द बर्थ ऑफ द ट्विन राइनो काउस. राइनो जो है, दीज आर ऑल्सो वेरी लेस इन नंबर. सो जब 7 जनवरी 2020 को ये ट्विन राइनो जब पैदा हुए थे तो पूरे आसाम में सेलिब्रेशन हुआ था. जनरली बर्थ पे सेलिब्रेशन किसका होता है? ह्यूमन बींग्स का होता है ना, लेकिन आसाम ने ये राइनोस का किया. क्या रीजन होगा? बिकॉज देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ राइनोस विच आर लिविंग ऑन द अर्थ. नाउ टेल मी व्हाट आर द रीजंस फॉर द लो रिप्रोडक्शन रेट. कुछ एनिमल्स जो है जो गिने चुने बचे हुए अर्थ पे, क्या रीजन है? फॉर एग्जाम्पल व्हाइट पीकॉक, देखा है, सुना है? तो क्यों लेस नंबर में बचे हुए हैं? क्या रीजन होगा बताओ? अरे सोचो, बोलो. नहीं, रीजंस में भी हंटिंग, डिफॉरेस्टेशन, द इंटरफेरेंस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय द ह्यूमन बींग्स, दिस कुड बी द रीजंस. हो सकते हैं ना कि जो वाइल्ड एनिमल्स है उनका नंबर
साल पहले हम लोग अवसरी घाट, खेड़ घाट से ट्रैवल करते थे। कितना अच्छा जंगल था वहां पे। और अभी क्या है? हाईवे। तो हाईवे बनाने के लिए क्या हुआ? फॉरेस्ट सब कट डाउन। फॉरेस्ट कट हुए है तो नेचुरली वहां के जो एनिमल्स हैं वो भी क्या हो गए? डिस्प्लेस हो गए। सो इट इज द रीजन द अलार्मिंग रेट एट विच द एनिमल स्पीसीज आर डिसअपीयरिंग इज समथिंग विच शुड बी कॉज ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। नाउ यू विल से व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो राइनोस, नो टाइगर्स ऑन द अर्थ। अच्छा है ना, टाइगर नहीं है, राइनो नहीं है, ये अगर एनिमल्स नहीं है तो अच्छा है ना, सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही रहेंगे। Isn't it good for us? Tigers तो कितने डेंजर होते हैं, rhinos डेंजर होते हैं, तो सारे एनिमल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, सिर्फ हम ह्यूमंस ही रहेंगे। Can human population survive? Why? Because each and every organism plays a very important role in the ecosystem. Even insects also. Are insects useful to us? How insects are useful? Yes, honeybees, they make honey, other role, they are useful in the process known as pollination. अगर insects pollination नहीं करेंगे तो हमारे लिए खाना बनेगा क्या? हर एक चीज तो फैक्ट्री में नहीं बना सकते, we are dependent for food on nature. So all the organisms are important for us. So understanding the importance of reproduction rate can help us revitalizing the dwindling population of the endangered species. अगर हमें reproduction का importance पता चला तो हम इनका importance जान सकते हैं जो endangered species है। बहुत से species है जो extinct बन चुके हैं। Extinct means which are no longer on the earth. Can you name? डायनासोर। सो तो बहुत पहले एक्सटिंक्ट हो गए। अभी भी ऐसे बहुत सारे एनिमल स्पेसीज हैं विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। बहुत कम मेंबर्स बचे हुए हैं। ब्लैक पैंथर्स वेरी लेस इन नंबर, व्हाइट पीकॉक्स आपको बताया, फिर जो टाइगर्स वगैरह है दीज आर वेरी लेस इन नंबर, दीज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर इनके लिए अगर कोई सॉल्यूशन अगर नहीं निकाला गया तो क्या होगा? ये खत्म हो जाएंगे। तो हमारी जो अगली जनरेशन से वो सिर्फ उनको फोटो में ही देखेंगे, जैसे हम लोग इन एनिमल्स को जू में देखते हैं, अगली जनरेशन फोटो में देखेंगे, म्यूजियम में भी। हाँ, म्यूजियम में देखेंगे, राइट, म्यूजियम में या फोटो में या यूट्यूब पे, है ना। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस और ऑफस्प्रिंग्स। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? लाइफ प्रोसेसेस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव बर्थ टू यंग वंस, यंग वंस और ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स और यंग वंस मीन्स इन सिंपल वर्ड्स can call babies. So it is reproduction. An individual can live without reproducing, unlike other life processes. But as I told you that reproduction is essential for continuation of the species on the earth. Reproduction को important life process क्यों कहा गया है? Because it is important for continuation of that species on the earth. अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसीज रिप्रोडक्शन करना स्टॉप कर दे तो क्या हो जाएगा? जो मेंबर्स है उस स्पेसीज के, दिस मेंबर्स विल गेट ओल्डर एंड दे विल डाई। इट इज अ ट्रूथ कि जो भी ऑर्गेनिज्म पैदा होता है उमर जाता है।
तो अगर इनमें रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस नहीं हुए, तो क्या होगा, कुछ साल में वो जो स्पेसीज है पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी. दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज गिवन इम्पोर्टेंस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्पेसीज. नाउ इफ यू कंसिडर द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पेसीज, यू विल फाइंड द सिमिलैरिटीज इन दिस ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, सो वी हैव सिमिलैरिटीज. थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, बट बेसिक प्लान, सबके दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, दो कान, सिमिलैरिटीज है ना. क्या रीजन है? यस, क्या रीजन है? क्योंकि ब्लूप्रिंट सेम है. क्या है हमारा ब्लूप्रिंट? डीएनए. स्टडी किया ना हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डीएनए के बारे में. Our body design and blueprints are similar. That's why we all are similar. बच्चा अगर इंडिया में पैदा हुआ या अमेरिका में, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, भले स्किन कलर वेरी करे, हेयर कलर वेरी करे, लेकिन जो बेसिक जो ऑर्गन्स हैं वो सब सेम होते हैं. एक्सेप्शंस होते हैं जिनमें म्यूटेशंस, मतलब सडन चेंजेस. ऐसे एक्सेप्शनल केसेस बहुत कम होते. नॉर्मली जो बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान है वो सब में सिमिलर होता है, बिकॉज वी शेयर सिमिलर बॉडी डिजाइन एंड ब्लूप्रिंट्स. नाउ द कॉपीज ऑफ ब्लूप्रिंट्स ऑफ बॉडी डिजाइन, दीज आर मेड इन द रिप्रोड्यूसिंग सेल्स थ्रू द क्रिएशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल्स. व्हाई डू वी रिसेम्बल टू अवर पेरेंट्स? बिकॉज वी आर गेटिंग दिस क्रोमोसोम्स फ्रॉम अवर पेरेंट्स. आर यू ओके? Why we have similarities with our siblings, with our parents? सगे भाई बहन है तो सिमिलर दिखते हैं, देख के पता चलता है ना. क्या रीजन है? यस, क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स जीन्स जो कैरी करते हैं. जीन्स का स्पेलिंग श्योर GENES, नॉट JEANS. अगर जीन्स पे क्वेश्चन पूछा जाए, GENES लिखना है, JEANS लिखा तो जीरो मार्क. ऐसे मिस्टेक आप लोग नहीं करोगे, पता है, समझदार हो गए अभी, है ना. सो द डीएनए कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस. दिस प्रोसेस फॉर्म्स द बेसिस फॉर रिप्रोडक्शन. डीएनए इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, इट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन for making proteins, and these proteins, these are given instructions. For example, if any building is being constructed, then various people are involved in the construction. Suppose हमें एक building बनानी है, तो शुरू कैसे करेंगे बताओ? Yes, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? Architect से plan बनवाना पड़ेगा. बड़ी बिल्डिंग बनानी है, या फिर मैं बोलूंगी आज आए हैं 30-40 बच्चे, चलो बच्चे लोग सब रॉ मटेरियल रेडी है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दो. बनेगी क्या? बनेगी तो कुछ तो अजीब ही चीज बन जाएगी. तो अगर हमें प्रॉपर तरीके से बनानी है बिल्डिंग, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? आर्किटेक्ट से प्लान बनवाना पड़ेगा. नेक्स्ट स्टेप, प्लान रेडी है, नेक्स्ट डायरेक्ट वर्कर्स को देंगे. फिर सिविल इंजीनियर्स क्या करते हैं? क्या करते हैं बोलो? सिविल इंजीनियर्स क्यों पढ़ते हैं इतने सारे स्टूडेंट्स हर साल? सिविल इंजीनियरिंग क्यों करते हैं? तो आर्किटेक्ट का काम हो गया, नेक्स्ट ड्यूटी किसका आता है? सिविल इंजीनियर का. सिविल इंजीनियर्स के बाद, सिविल इंजीनियर थोड़े ना साइट पे जाके खुद काम करते, वो तो इंस्ट्रक्शन देते हैं. एक्चुअल वर्क किसको करना पड़ता है? वर्कर्स को, लेबर जो होते हैं, राइट. तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी होता है, ठीक है. डीएनए, इट इज लाइक एन आर्किटेक्ट. देन अलॉन्ग विथ डीएनए ए सेल्यूलर एपरेटस इज ऑल्सो फॉर्म्ड. जैसे अकेले आर्किटेक्ट बिल्डिंग नहीं बना सकता, बना सकता है क्या? सिर्फ एक अकेला आर्किटेक्ट है बोलेगा अभी लॉकडाउन में तो सारे जो लोग है चले गए अपने अपने गाँव, तो अकेला आर्किटेक्ट जाके बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगा? इज इट पॉसिबल?
नॉट पॉसिबल। वैसे ही अकेले डीएनए काम नहीं कर सकता है, सो अलोंग विथ डीएनए सेलुलर एपरेटस इज ऑल्सो फॉर्म्ड। वी आर डिस्कसिंग नाउ अबाउट द वेरिएशंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस। रिप्रोड्यूसिंग सेल इट क्रिएट्स टू कॉपीज ऑफ डीएनए। जब रिप्रोडक्शन होना होता है दैट टाइम ए रिप्रोड्यूसिंग सेल, जर्म सेल्स आर सेड टू बी रिप्रोड्यूसिंग सेल्स। कौन से होते हैं रिप्रोड्यूसिंग सेल्स? जर्म सेल्स। एग्जांपल बताओ, फीमेल जर्म सेल्स एग्स और ओवा, मेल जर्म सेल्स आर स्पर्म्स। ओके, सो दे आर कैरिंग द डीएनए। सो फर्स्ट द रिप्रोड्यूसिंग सेल इट क्रिएट्स द टू कॉपीज ऑफ डीएनए, दिस सेपरेट आउट फ्रॉम ईच अदर। जब रिप्रोडक्शन होना है उस टाइम पे डीएनए के दो कॉपीज तैयार होते हैं। दिस टू कॉपीज ऑफ डीएनए दे सेपरेट आउट फ्रॉम ईच अदर। वन कॉपी ऑफ डीएनए रिमेन्स विद द ओरिजिनल सेल एंड द अदर कॉपी ऑफ डीएनए इज पुश्ड इनटू द क्रिएटेड सेलुलर एपरेटस। जैसे अगर आपको बिल्डिंग बनानी है, आर्किटेक्ट आपको प्लान देता है, तो डायरेक्टली आप वो लेबर के हाथ में या सिविल इंजीनियर्स के हाथ में दे देते हो प्लान। एक कॉपी अपने पास रखते हैं ना, सपोज आप बिल्डर हो तो बिल्डर का क्या रोल होता है इसमें, कंस्ट्रक्शन में सब पे ध्यान रखना, राइट? तो इसी तरह से एक बार आर्किटेक्ट से अगर कोई कॉपी बनाई तो डायरेक्टली प्रिंट कॉपी नहीं दी जाती, उसकी जेरॉक्स कॉपी दी जाती है, बराबर ना? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग और नॉट गेटिंग? पता ही नहीं चल रहा है स्टूडेंट्स है कि नहीं इस क्लास में, जरा एक बार तो आवाज आने दो। नहीं सत्यम, आर यू देयर? एम आई ऑडिबल? नो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? अलोंग विथ डीएनए सेलुलर एपरेटस इज ऑल्सो फॉर्म। सी ए रिप्रोड्यूसिंग सेल इट क्रिएट्स द टू कॉपीज ऑफ डीएनए। सो दिस टू कॉपीज सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। वन कॉपी ऑफ डीएनए इट रिमेन्स विद द ओरिजिनल सेल and another copy of DNA it is pushed into the cellular apparatus. See, simply making a copy of DNA it's not sufficient during cell division because DNA molecule itself it cannot survive and carry out all the functions which are performed by the cell. Akela DNA koi bhi kaam nahi kar sakta hai, jaise main aapko baar baar bata rahi hu कि बिल्डिंग बनानी है, अकेला बिल्डर या अकेला आर्किटेक्ट कुछ नहीं कर सकता, उसको दूसरों की भी हेल्प चाहिए। सिमिलर वे डीएनए आल्सो नीड्स हेल्प। सो डीएनए गेट द हेल्प फ्रॉम द सेलुलर एपरेटस। सो दिस सेलुलर एपरेटस इट इज हैविंग ऑल द सेलुलर ऑर्गेनेल्स। कौन से होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स बताओ? कॉल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। सो ऑल दीज ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द सेलुलर एपरेटस, सो दे आर हेल्पिंग इट। जैसे सेल में हमने स्टडी किया था डिवीजन ऑफ लेबर, जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं सबको अपना अपना काम दिया हुआ है। अगर आपको याद होगा तो सेल में न्यूक्लियस क्या काम करता है? कंट्रोल, ठीक है? गॉल्गी कॉम्प्लेक्स क्या काम करता है? पैकिंग ऑफ मटेरियल। राइबोसोम्स आर ऑल्सो देयर। राइबोसोम्स क्या काम करते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। प्रोटीन्स वगैरह तैयार होने के बाद उसका पैकेजिंग करता है गॉल्गी कॉम्प्लेक्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, सप्लाइंग एनर्जी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट सप्लाइज द चैनल्स और द नेटवर्क टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। मतलब जो सेल्स होते हैं उसके अंदर सभी को अपना अपना काम दिया हुआ है। अकेला डीएनए कोई भी काम नहीं कर सकता है कंप्लीट। सो अलोंग विद डीएनए सेलुलर एपरेटस इज ऑल्सो फॉर्म्ड।
सो इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन. सी द कॉपिंग ऑफ डीएनए रिजल्ट्स इन सम वेरिएशंस ईच टाइम एज नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज रिलायबल. दिस कॉपिंग ऑफ डीएनए एवरी टाइम इट मे हैव सम वेरिएशंस. अगर आप देखोगे कि आपका सगा भाई या सगी बहन है, एकदम आप एक दूसरे के जेरोक्स कॉपीज नहीं हो, डिफरेंसेस है ना. अभी डीएनए तो आपको पेरेंट्स से ही मिला है, तो फिर ये डिफरेंसेस क्यों है? क्यों है? हमें क्या मिलता है? पेरेंट्स से कॉपी मिलती है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार ये कॉपी सिमिलर हो. वी कांट रिलाय ऑन द बायोकेमिकल प्रोसेसेस, दीज आर नॉट ऑलवेज 100% एक्यूरेट. इसकी वजह से वेरिएशन होता है. अभी आप खुद ही नोटिस कर लो, आई थिंक रेशम है और सिस्टर, एकदम एग्जैक्ट कॉपीज नहीं है, है ना, डिफरेंसेस है ना संस्कार. जितने भी लोगों के भाई बहन है, एकदम ट्विन्स जैसे आप लोग, एकदम सिमिलैरिटीज है, आई एग्री, एकदम 100% सिमिलैरिटी नहीं है. क्यों? बिकॉज एवरी टाइम दिस डीएनए कॉपी इट इज नॉट 100% एक्यूरेट एंड इट रिजल्ट्स इन द वेरिएशंस. जैसे टीचर तो आपको एक ही पढ़ाती है, बुक भी एक ही टाइप का होता है, और जब आप पेपर लिखते हो तो कितने सारे वेरिएशंस देखने मिलते हैं क्या? ऐसे ना मन करता है कभी कभी आप लोगों को दिखा दो क्या 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 आप लोगों के इन्वेंशंस होते हैं, वेरिएशंस. आर यू गेटिंग? जब कॉपी करते हैं, आप कॉपी तो करते हो ना एग्जाम में, कैसे? चीटिंग वाली नहीं, कौन सी वाली? पढ़ते हो फिर उसको याद करके भाई कॉपी करते हो ना, तो सबके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है. कोई एकदम 100% एक्यूरेट कॉपी करता है तो कुछ लोगों का निकल जाता है ना, इवेपोरेट हो जाता है धीरे धीरे करके, तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलते हैं. तो कोई भी जो कॉपी है 100% एक्यूरेट नहीं होता है, इसलिए वेरिएशंस होते हैं. ओके, आर यू गेटिंग द रीजंस फॉर वेरिएशन? समटाइम्स वेरी ड्रास्टिक चेंजेस टेक प्लेस, देन सच टाइप ऑफ वेरिएशंस आर कॉल्ड एज म्यूटेशंस. क्या म्यूटेशन, कोई बताएगा? जब ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, दिस ड्रास्टिक चेंजेस लीड टू म्यूटेशंस. अगर डीएनए कॉपिंग के वक्त अगर पूरी इंफॉर्मेशन अगर ठीक से कॉपी नहीं हुई तो म्यूटेशंस हो सकते हैं. कभी कभी न्यूज़पेपर में आता है कि सम बेबीज आर बॉर्न एबनॉर्मल, कुछ बेबीज ऐसे दो हेड के साथ पैदा होते हैं, या किसी में ऑर्गन ही नहीं होता है. आपको पता है ना, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो सोनोग्राफी करवाई जाती है पीरियोडिकली, तो उसमें पता चलता है कि अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो. जैसे पेयर ऑफ किडनीज, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाय बर्थ उनको एक ही किडनी होती है, सो इट इज ड्यू टू म्यूटेशन. अगर सही तरह से कॉपी नहीं हुआ तो क्या होता है? वेरिएशन. लेकिन वेरिएशन में भी अगर बहुत ज्यादा गड़बड़ हुआ तो म्यूटेशन होता है. म्यूटेंट्स वगैरह का देखा है कभी? सुपर हीरोज हॉलीवुड में है ना, बहुत सारे ऐसे म्यूटेंट्स जिनमें कुछ अलग पावर्स भी आ जाती है, या सिर्फ आई कलर वगैरह कभी अगर देख लो, जनरली वी हैव आईज विद सिमिलर कलर. अगर मेरी ब्राउन आईज है तो मेरी दोनों आंखें ब्राउन कलर की होगी, दोनों ब्राउन. लेकिन कुछ केसेस में ऐसे होता है ना कि एक ब्राउन एक ब्लू, एक ब्लू दूसरा ब्लैक, म्यूटेशन. ये सिर्फ आई कलर के बारे में बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं. इवन ट्विन्स, एक ट्विन्स का एग्जांपल मैंने देखा था कि आपको पता है कि जनरली यूरोप में टू टाइप्स ऑफ रेसेस आर देयर, व्हाइट एंड ब्लैक. सो वो कपल में मदर वॉज व्हाइट एंड फादर वॉज ब्लैक आई थिंक. सो उनको ट्विन्स बच्चे पैदा हुए, एक लड़की एकदम व्हाइट एकदम गोरी, और उसी की जुड़वा बहन जो 5 मिनट बाद पैदा हुई वो ब्लैक थी. तो ये वही होता है कि इवन ट्विन्स भी है तो जरूरी नहीं कि उनमें कॉपिंग सेम होगा, तो ये कॉपिंग की वजह से ही वेरिएशंस होते हैं.
such kids do not survive. Now next is population living in a specific area or niche. They have some specific features that enable the population to survive in that niche. कोई भी population है, if they are living in a specific area, so they have modified their bodies according to their surrounding. Now we are living in the plain area, so we are adapted to live here only. So if we send you to hilly areas, मंजर छोड़ के अगर बाकी किसी जगह पे आप लोग जाओगे तो तुरंत एडॉप्ट हो जाते हो आप लोग वहां जाके. क्या चेंजेस होते हैं? बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं नई जगह जाने के बाद, होते हैं ना. जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, एडॉप्ट हो जाते हैं हर जगह पे, लेकिन ज्यादातर लोग बीमार हो जाते हैं. जैसे अभी यहाँ पे हम नॉर्मल है जो लडाख एरिया में रहते हैं, अगर आप लोगों को भेज दिया जाए एक महीने के लिए लद्दाख, कितने लोग रहेंगे पूरा एक महीना वहां पे? एकदम हेल्दी नॉर्मल लाइफ, अच्छा इम्यूनिटी अच्छी है दोनों की. आई कांट. क्या रीजन होगा बताओ? नाउ आई एम अडैप्टेड टू लिव इन द प्लेन एरिया. लद्दाख इज द हिली एरिया विद एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन. ठंडी बहुत ज्यादा होती है वहां पे. ये हमने स्टडी किया था ना कि जैसे जैसे हायर अल्टीट्यूड्स पे जाते हैं नोज ब्लीडिंग वगैरह होता है ना, याद है ना. सो जो लोग जिस एरिया में रहते हैं, द पीपल लिविंग इन द पर्टिकुलर एरिया दैट इज कॉल्ड एज निक. स्पेलिंग दिया है देखो आपके बुक में, NICHE. सो दे आर एडॉप्टेड टू लिव इन दैट एरिया ओनली. नाउ दिस फीचर्स आर पास्ड टू द नेक्स्ट जनरेशंस थ्रू DNA कॉपिंग. अगर कोई स्पेसीज है, कोई अगर ग्रुप है, द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, इफ दैट ग्रुप इज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, व्हेन दे आर रिप्रोड्यूसिंग देन देयर DNA इज कॉपीड. सो दिस इंफॉर्मेशन इज पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, सो दे ऑल्सो सर्वाइव इन दैट एरिया. हाउएवर इफ द निक्स आर ड्रेस्टिकली अल्टर्ड, जैसे अभी यहाँ पे नॉर्मल रेनफॉल है, नॉर्मल विंटर है, नॉर्मल समर सीजन है, एक्सट्रीम कोई भी सीजन नहीं हमारे यहाँ पे, एक लिमिटेड रेंज तक ही है. इमेजिन करो कि विंटर सीजन में अचानक से यहाँ का टेम्परेचर माइनस में चला जाए, बिलो 0 डिग्री, व्हाट विल हैपन? बहुत सारे लोग बीमार हो जाएंगे. ह्यूमन बींग्स तो ठीक है सर्वाइव कर लेंगे, वी विल अरेंज हीटर्स, स्वेटर्स एटसेट्रा, वो सब अरेंज करके, बट व्हाट अबाउट द अदर ऑर्गेनिजम्स, कैन दे सर्वाइव? नहीं सर्वाइव कर पाएंगे. उनमें जितने सर्वाइव करेंगे फिर उनकी ही पॉपुलेशन आगे बढ़ेंगी. फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इज एडप्टेड टू लिव इन वॉटर विथ मॉडरेट टेम्परेचर, and if suddenly the temperature of that water is increased then very few bacteria will survive. generally wo bacteria ko aadat kya hai moderate temperature ki, aur ekdam wahan pe agar hot water springs aa jaye, ekdam wahan pe agar ubalta pani aa jaye to kya hoga, most of the bacteria will die. only the bacteria that survive, bahut sare, suppose wahan pe 1000 bacteria hai और उसमें से अगर सिर्फ 10 बैक्टीरिया ने सर्वाइव किया तो अगली पॉपुलेशन किसकी होगी? एडप्टिंग, जो जिन लोगों ने एडप्ट किया है अपने आप को उनकी ही अगली पॉपुलेशन होगी. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ए लार्ज डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म to multiply and produce its offspring. So mainly there are two ways of reproduction, sexual reproduction and asexual reproduction. So when offspring is produced by involvement of a single parent then it is called as a sexual reproduction. When two parents are involved then that type of reproduction, yes it is sexual reproduction. In your book there is table 3.1, chapter page number 104, very important for 2 marks.
डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिस बुक, और इफ यू आर यूजिंग एनी अदर पब्लिकेशन यू विल हैव टू फाइंड आउट इन द बुक। इसमें कैसे रेडीमेड आंसर दिया हुआ है टेबल में, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो बस आपको थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा, एनसीईआरटी एसटीएम जो भी है उसमें मिलेगा आपको आंसर। सी द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट क्या है, न्यू इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट ओनली, इट इज असेक्सुअल। इफ टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इट इज सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल इट डज नॉट इन्वॉल्व द यूनियन ऑफ गैमेट्स। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द गैमेट्स यूनियन इज इन्वॉल्व, स्पर्म यूनाइट्स विद द एग और ओवम, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द यंग वंस आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट बिकॉज देयर इज नो वेरिएशन। सिंगल पेरेंट है इसलिए जो यंग वन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, इट विल बी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट। While in case of sexual reproduction, variations are seen. Generally, asexual reproduction it takes place in the lower organisms. Higher organisms reproduce mostly by the sexual way of reproduction. So next period we will discuss in details about the first type of reproduction, that is asexual reproduction. Any doubt in this एक्सप्लेनेशन? आज जो भी मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट क्यों है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसीज, ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेरिएशंस, इट्स इम्पोर्टेंस, एनी डाउट?